फोटोज वगैरह लैपटॉप में रखे, सब कुछ डिलीट कर दो, ठीक है? यार तू आहिस्ता बात करना, आहिस्ता बात कर। तू मेरे साथ क्यों लड़ रही है? मैं पागल होने झूठ बोल रही हूँ। मुझे भी धोखा दिया है यार, वो भी तो देखो, मुझे भी धोखा दिया है। अब आपके साथ जो भी था वो चीज खत्म करो, बाकी मैं देख लूंगी क्या करना है सैम के साथ। सुबह हेलो गाइस, क्या हाल है तुम सबके? उम्मीद करता हूँ एकदम से बढ़िया ही होंगे यार। तो गाइस चेक करो, आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है भाई कुछ इस तरह की लोकेशन से। सो गाइस अभी का सीन कुछ ऐसा है कि अभी मेरे को आया था सैम को कॉल एंड मैं जा रहा हूँ उसके घर पर। तो अभी ना वो ना एसी वगैरह फिट करवा रहा है, तो अभी वो बोल रहा था कि यार मैं एसी वगैरह फिट करवा रहा हूँ तो तू इधर ही आ जा, फिर उसके बाद व्लॉग वगैरह बनाने के लिए जाएंगे। एंड गाइस मौसम देखो आज कितना ज़्यादा प्यारा हो चुका हुआ है। कल बारिश पड़ी थी ना, तो कल से भाई धूप ही नहीं निकली हुई है, ना इतनी ज़्यादा गर्मी है ना इतनी ज़्यादा सर्दी है, नॉर्मल मौसम है। ऐसे मौसम रहे ना तो भाई डेली व्लॉग करने में क्या मज़ा है। सो गाइस कल हम गए थे भाई सैम की बाइक का वापस से अपडेट लेने के लिए, तो अभी तक ना यार उसका काम बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो पहले तो बोल रहे थे इस महीने की एंडिंग तक मे भी आपको क्या पता बाइक मिल जाए, बड़े यार पीछे से जो सामान आ रहा है ना उसी में टाइम लग रहा है भाई। पार्ट्स तो ऑर्डर पे डाले हुए हैं, बड़े यार वो पीछे से ही मतलब कि डिस्पैच होते हैं ना, टाइम लगा रहा है। तो अभी मेरे ख्याल से अगले महीने ही मिलेगी बाइक, तो जो भी सीन रहेगा वो भी आप लोगों को बता देंगे। फिर उसके बाद हम निकल जाएंगे भाई अपनी किश्तवाड़ वाली राइड पे, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को भी लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट भी कर दो। तो चलो अभी चलते हैं और खींचते हैं अपनी बाइक को। तो गाइस जैसे कि कल ना यार अपनी बाइक में एक प्रॉब्लम आ रही थी, इसका ना आरपीएम लो हो जा रहा था और बार बार बाइक बंद हो रही थी, बट आज ऐसा कोई भी सीन नहीं है। पर मैं ना जाऊंगा मंडे को और इसकी थ्रॉटल बॉडी क्लीन करवाऊंगा, बिकॉज पिकअप वगैरह कुछ पकड़ नहीं रही है, उसमें प्रॉब्लम वगैरह आ रही है। और सामने देखो भाई तभी में ना इतना ज़्यादा पानी है ना भाई, ऊपर ऊपर तक पानी आया हुआ है। अभी बंदा तभी में अगर आज ऑफ रोड करने जाएगा ना कसम से डूब ही जाएगा बाइक के साथ। रॉयल फील्ड की जो बाइक्स है ना वो बिल्ड क्वालिटी के मामले में ना बहुत ज़्यादा आगे है, KTM ले लो R15 ले लो, बट इनको ना थोड़ा सा ना इसकी ना पावर पे भी ध्यान देना चाहिए। तो GT में तो पावर ना बहुत ज़्यादा है यार, वो तो 180-190 जाती है, बट उसकी ब्रेकिंग ना इतनी ज़्यादा सही नहीं है। बाकी जितनी भी बाइक्स वगैरह उनकी थोड़ी सी ना इनको पावर पे ध्यान देना चाहिए, अगर इनमें पावर वगैरह आ जाए ना फिर तो भाई हर एक बंदा भाई इन फील्ड की बाइक ही खरीदे। A few inches later. Well, finally guys, अभी आपका भाई पहुंच चुका है कुछ इस तरह की लोकेशन पे। तो गाइज अभी ना आपका भाई सैम के पास गया था, तो अभी ना यार वहाँ पे ना थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसको AC फिट वगैरह करवा रहा है वो। तो वो मेरे को बोल रहा था कि तू J-Town ही चला जा, मैं आता हूँ थोड़ी देर तक, फिर व्लॉग वगैरह बनाएंगे। तो अभी मैं जा रहा हूँ सीधा J-Town वाली साइड और देखते हैं भाई क्या सीन रहता है। बाकी मैंने जिहान को भी कॉल कर दिया, सिब्बू को भी कॉल कर दिया हुआ है, तो सिब्बू भी पहुँचने वाला है वहीं पर, और देखते हैं भाई आज का क्या सीन रहता है। और आज होप करना है यार आज स्नेहा वगैरह कोई भी नहीं आए, बिकॉज कल भी सीन हो गया था, फिर अलियान भाई भी नाराज़ हो गए थे, फिर वो चले गए थे। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज ना ऐसा कोई भी सीन ना हो। तो अभी सैम बोल रहा था कि तू J-Town पहुँच, मैं आता हूँ थोड़ी देर में, तो अभी चलते हैं और देखते हैं भाई क्या सीन रहता है। तो गाइस अभी हम जीनत की स्कूटी के साथ देखो क्या करने वाले हैं। ये देखो भाई जीनत व्लॉग का जी व्लॉग हो गया हुआ, चलो उठा आगे करना, अभी आगे तू बोल दिया। गाइस अभी हम उसके साथ एक प्रैंक करेंगे, ये देख कैसे फेंक रहा है, कहाँ से बाहुबली देख, अगर वो डरे ही नहीं तभी उस टाइप पे कैमरा और जिस टाइप पे जिंदा आएगी, ठीक है इधर पे लेते, पर इधर से जाएगी नहीं यहाँ से, अगर यहाँ तो तेरे को पीछे पकड़नी पड़ेगी इधर से, जो भी है उठा 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 के लेके जाएंगे, चल इधर तक ले, उधर से आगे उठा के लेके जाएंगे, चलो चलो चल 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 पकड़ पकड़ आगे से, यहाँ से करो ये बंदे ब्रेक मार के रख भैया, ब्रेक मार के रख, वहाँ से देखो वहाँ से इसका हैंडल, ब्रेक मार के रख, ब्रेक मार के, ब्रेक 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 मार, इसका हैंडल लॉक फिर भी है, ब्रेक मार, ब्रेक नहीं छोड़ना, ब्रेक मार रहा हूँ, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो ध्यान क्या कर रहा है, उठा यार, ये बंदे यार इसका भी दिला ले रहे, चल ब्रेक मार, हां चल मैं ब्रेक मार रहा हूं, कोई आराम से कार में ना लग जाए, उठा उठा उठा, ये देख ये देख, इतना उठाओ उठा, ये जान ये स्कूटी उठा ले यार भाई, चल चल चल, ब्रेक मत छोड़ना तो बस, चल 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 इधर उठा, लगा स्टैंड थोड़ा सा आगे कर, नहीं उसको दिखनी नहीं चाहिए, आगे कर थोड़ी, ऐसे 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 जान दे,
पास लगा स्टैंड। अभी वो लगा पत्थर लगाया गिर जाएगी। So guys, अभी देख सकते हो भाई, अभी हमने ना इस ज़ीनत व्लॉग की स्कूटी को यहाँ पे लगा दिया है। अब वो आएगी, उसका रिएक्शन लेते हैं, देखते हैं भाई क्या सीन रहता है। अभी हमने इधर ही लगा दी हुई है, अभी आती है, देखते हैं भाई क्या रिएक्शन रहता है उसका। तो वेल गाइज, अभी आपका भाई आया था भाई जे टाउन के पास। तो गाइज अभी ना यार, हम ना जीनत की स्कूटी के साथ ना मजाक कर रहे थे, पहले हमने इधर लाई, इधर रखी, फिर अभी ना यार हमें खुद ही नहीं अच्छा लगा, तो हमने तो अभी हमने लगा दिया यहाँ पे। तो वो तो आएगी नहीं आज, तो फायदा नहीं है कुछ प्रैंक वगैरह करने का, तो इसलिए भाई हमने स्कूटी वापस से उधर लगा दी, क्योंकि वो इधर है ही नहीं है। किसी दिन करेंगे ऐसे एक तगड़ा वाला प्रैंक भाई, बहुत मेहनत लगी थी उसकी स्कूटी वहाँ तक ले जाने में, फिर निकाली भी वहाँ से। तो गाइज अभी यहाँ पे सिब्बू भी आ चुका है, और सिब्बू क्या हाल है, क्या हाल है, क्या आप क्या बोल रहे हो? आपने उसको क्यों बुलाया? सैम को पता है? सैम को छोड़ यार। अगर उसने गुस्सा किया फिर? वो मेरे पे छोड़। बुलाया क्यों आपने? कोई रीज़न? उससे यार, कल उसे रिकॉर्डिंग सुना है उसके बाद। वो फेक है यार रिकॉर्डिंग। चलो कोई नहीं, काम पे है वो। वो बता रही है लोकेशन, बताती हूँ मैं। अच्छा चलो फिर चलते हैं। तो गाइस अभी ये बोल रही है कि स्नेहा को इसने कॉल किया, बोल रही है कि मुझे और भी प्रूफ्स वगैरह दिखा, अगर तेरे पास कोई प्रूफ वगैरह है। तो मैंने तो उसको बोला भाई एक बार ना सैम से पूछ ले, बड़ी ये बोल रही है उसको नहीं बताना हमने, हम चलते हैं खुद ही बात करते हैं। चलो फिर, तो गाइस अभी यार चलते हैं आगे। तो वो बोल रहे थे कि आगे हम वेट कर रहे हैं भाई आगे ये पुल के पास, तो अभी चलते हैं उनको कॉल वगैरह करते हैं, देखते हैं भाई क्या सीन रहता है। बोल रहे थे इधर ही है पुल के पास, तो इधर ही बाइक लगाते हैं और करते हैं उनको कॉल। एक काम करो, उनको कॉल करो, उनको पूछो कहाँ पे हो, ठीक है ना। तो गाइस अभी उनको कॉल वगैरह करते हैं। यार मेरे को समझ नहीं आ रहा सैम ये कर क्या रहा है यार, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है यार, ये हो रहा क्या है। कॉल करियो, हेलो करो आप। कहाँ पहुँचे यार अब? अच्छा ठीक है, आ जाओ इधर ही रुकते हैं, कोई नहीं उनको बोल दो इधर ही। चलो मैं साइड पे लगाता भाई। तो गाइज अभी उनको कॉल वगैरह तो किया हुआ है, तो बाइक लगाते हैं यार साइड पे, बिकॉज यहाँ पे ना क्या कहते हैं रोड है ना, तो रोड पे ऐसे खड़ा रहना ना अच्छा नहीं लगेगा। ये इधर ही चलते हैं भाई, ये इधर लगा देता हूँ बाइक। ओ गाइज वो देख रहे हो भाई, वो वहाँ पे ऐसे नहीं है, गुस्सा नहीं करना ठीक है, नॉर्मल बात करना, प्यार से बात करूंगी मैं इसके साथ, पता चलेगा यार क्या है क्या नहीं। हाँ मैं तो क्या, स्नेहा क्या हाल है, ठीक हो? स्नेहा तूने मुझे पहले कभी नहीं बताया यार इस बारे में, मेरे को तो बताना चाहिए था। भाई इसकी एंगेजमेंट तो बहुत पहले की हुई है, कोई नई नई थोड़ी ना हुई है यार भाई। वो तो फिर यार मेरे को तो कुछ पता नहीं, इसने मेरे को बताया भी नहीं यार, कभी भी नहीं बताया इसने मेरे को। अब जो भी है यार क्लियर करो, हम नहीं चाहते कि लड़ाई रहे, ठीक है। आप भी मेरे दोस्त हो, सैम भी मेरा दोस्त है भाई। अगर 1.5 साल से था तो उसको इतना जानती है, तो तेरे को इतना तो आइडिया होगा ना। मैं गुस्सा नहीं कर रहा यार दोस्तों, उसको पता है मेरा ऐसी नेचर है। 1 साल हो गया, अब जो बंदा मैंने उस दिन उबरार को बोला भी कि मुझे ये बंदा बोला था साइड में जाके तमाशा मत कर, इसने मुझे कहा मैं घर जाके फोन करता, उसने घर जाके फोन किया, मैंने रिकॉर्डिंग कर ली, तो ठीक है ना। वो पे बोल रहा था कि मतलब ये वो बंदा क्या हुआ है, वो बंदा तो ऐसे बोलेगा ना, वो तो बंदा बोलेगा जी आपको विश्वास नहीं होगा क्योंकि आपके दिमाग में ना प्यार चढ़ा हुआ है उसका, ठीक है ना। जो बंदा मेरे को 1.5 साल का धोखा दे सकता आपको नहीं दे सकता, मुझे भरोसा है यार उस पर, भरोसा मुझे भी था, टूट गया। अब करना क्या यार, जो भी है खत्म कर दो,
यार उसकी एंगेजमेंट हुई है, तेरे को छोड़ना पड़ेगा यार। यार देख स्नेहा, अगर तेरे पास और कोई प्रूफ है तो वो अभी हमें दिखा दे ताकि। खराब है क्या? मैं तो मेकर की रिकॉर्डिंग सुना चुकी था, कुछ को तुम्हें बार बार प्रूफ की पड़ी हुई है अब। यार तू आहिस्ता बात कर ना, आहिस्ता बात कर। तू मेरे साथ क्यों लड़ रही है? मैं पागल हूं, प्रूफ बोल रही हूं। यार मैं बोल रहा हूँ, तू प्रूफ दिखा, अगर तेरे पास कोई और है तू मेरे से लड़े आ रही है। कितने प्रूफ दिखाऊं? मैं कैसे मानूं? पड़ी हुई है यार, हद हो गई। क्या पता वो रिकॉर्डिंग फेक हो, कॉलेज में फेक है, नंबर भी फेक है। अब बोल यार, कॉलेज फेक है, नंबर फेक है, ये बता कॉलेज फेक है? नहीं थी, नंबर भी फेक था? नहीं था। अब बोल। ठीक है मैंने मान लिया आपका। यार मैं, तू ऐसे में मैं नहीं भूल सकती यार, यार भूलूंगी मैं इसको। खत्म कर दो। अब वो बोल रहा है कि ये झूठ बोल रही है, मतलब मुझे क्या पता वो आपके साथ टाइम पास कर रहा होगा, जो भी था। टाइम पास कर रही हूं ना मैं, टाइम पास कर रहा होगा। मैं तो पूरी फंस गई हूं यार, तो मैं तो फंसी हूं यार, मैं तो बेबे तो पागल बन रही हूं यार। स्नेहा छोड़ दे यार, नहीं हुई है आपका, खत्म हो सकता है, खत्म आपका भी हो सकता है। नहीं कर सकती यार मैं, मुझे मेरे घर वालों को पता है यार, मैं घर वालों को हर्ट नहीं कर सकती, मुझे भी नहीं करना पड़ता यार जो भी है खत्म करो यार, बहुत गर्मी हो रही है। मैं पागल हूं। लड़ मत नहीं ना यार स्नेहा, क्या हो गया तेरे को? वो तोड़ने लड़ाई कर रही है तेरे साथ, दिखा प्रूफ और कोई है तो बात हमें भी तो यकीन हो। दिखा फोटो, दिखा लैपटॉप से निकाल के दूंगी। हाँ कल हमें फोटो दिखाना। मुझे भी धोखा दिया है यार, वो भी तो देखो, मुझे भी धोखा दिया है। अब आपके साथ जो भी था वो चीज खत्म करो, बाकी मैं देख लूंगी क्या करना है सैम के साथ। मैं चाहती हूँ कि आप उसको छोड़ दो, जो भी चैट्स वगैरह डिलीट कर दो, जो भी फोटोज वगैरह लैपटॉप पे रखे सब चीज डिलीट कर दो, ठीक है? मैं क्यों करूँ डिलीट? मजाक चल रही है, मैं क्यों करूँ डिलीट? मजाक चल रही है, क्या पागल है यार स्नेहा तू? लगी उठो उठो उठो, यार क्या कर रहे हो यार स्नेहा, पागल हो, दिमाग है नहीं है, उसको क्यों कर रहे हो? तो उसकी क्या गलती है? वो तो एंगेजमेंट करके जा रही है भाई, मैं पागल हूं यहां पे। तो उसकी क्या गलती है? वो तो समझा रही है ना यार आपको, फोटो वगैरह डिलीट कर दो, एंगेजमेंट हुई है यार उसकी।